सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग जो कि बॉल पेन से और जो कि एकदम पॉसिबल है। इस तरह की रेफरेंस पिक्चर देख सकते हैं इसको। इस रेफरेंस पिक्चर को कई लोगों ने बनाया है जो कि ग्रेफाइट से बनाया है, जो कि एक पॉसिबल है जो कि सब लोगों ने बना सकते हैं। ओके, ये कॉमन सा हो गया, लेकिन मैं अभी बॉल पेन से एक हाइपर रियलिस्टिक जो ड्राइंग बना सकता हूँ जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, लेकिन किसी ने बनाया नहीं। तो हम बनाने वाले बॉल पेन से जो कि 2 रुपये की बॉल पेन है, जो कि आपके पास सबके पास होगी ही होगी। और कुछ महीनों से मेरे YouTube चैनल पे वीडियो नहीं आ रही थी, मेन रीज़न था बोर्ड की एग्ज़ाम। तो बोर्ड की एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। मैं क्या यार हिंदी बोल रहा हूँ ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने आउटलाइन बना लिया। अगर आपको आउटलाइन का ट्यूटोरियल चाहिए तो हम मेरे को कमेंट करना, मैं जल्दी ट्यूटोरियल लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आई को एक बॉल पेन लेना है। 2 रुपये की बॉल पेन आप देख ही सकते हैं, ब्लैक भी ले सकते हैं, ब्लू भी ले सकते हैं। मैंने ब्लू ली है तो मैं ब्लू से बनाऊंगा। पहले जो आई का आउटलाइन है मैंने धीरे धीरे बनाया, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आसानी से हो जाता है ड्राइंग। तो आप देख ही सकते हैं धीरे धीरे आपको पहले आउटलाइन बनानी है आई की, जैसे कि मैं कर रहा हूँ आई बॉल का बना रहा हूँ जो कि डार्क पोर्शन है। इसको मैं पूरा डार्क कर दे रहा हूँ, बाद में मैं अच्छे से भरूंगा इसको। तो मतलब सबसे पहले आपको आई का आउटलाइन बना लेना है जिस तरह से मैं बना रहा हूँ, और कोई भी है ना इसमें मुश्किल नहीं होगी, आराम से हैचिंग जो टेक्निक आती है करने वाला, जो कि हम पेंसिल में करते हैं कई मर्तबा, तो इसी तरह से हम इस पर भी करेंगे। तो गाइस, फ़िलहाल के लिए एक अच्छा सा म्यूज़िक लगा देता हूँ, तब तक जब तक आउटलाइन मेरे बीच में कुछ भी बताने का होगा तो मैं डायरेक्ट आपको बताऊँगा। ओके, गाइस देख सकते हैं आप मैंने आउटलाइन बना लिया है इसका। तो इसमें अभी हम लोगों ने डार्क पोर्शन जहाँ भी है आई का, तो उस पर हम डार्क पोर्शन कर रहे हैं, देख सकते हैं आईब्रोज भी बना रहे हैं और जो भी पलक हो उसको हम बना रहे हैं सही से। तो इसी तरह से आपको बनाना है। We'll be right back.
हिसाब से देख सकते हैं मैं इसको हैचिंग टेक्निक से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने देख सकते हैं आई पोर्शन जो वाइट पोर्शन होता है उसमें मैंने हैचिंग टेक्निक का थोड़ा थोड़ा यूज़ किया है। फिर देखिए मैं अंदर का जो आई बॉल का अंदर का डिज़ाइन है उसको एकदम सिंपली अच्छे से बना रहा हूँ लाइनिंग करके, जो कि आप देख ही सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं डार्क पोर्शन ज़्यादा है, उसको सबको मैं अच्छे से आउट कर रहा हूँ, आउटपुट कर रहा हूँ देख सकते हैं। तो अभी मैं नीचे हैचिंग टेक्निक से जो भी है ना होगा आइज़ के नीचे जो भी है सबको हैचिंग टेक्निक से करने वाला हूँ। देखिए एक एक लाइन बना के अच्छे से करूँगा, पहले नीचे का जो भी है उसको आउटलाइन बना दूँगा, फिर ऐसे हैचिंग टेक्निक से करूँगा देख सकते हैं आप। तो गाइस आप देख सकते हैं हैचिंग टेक्निक का ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, एकदम लाइन बनाना होता है फिर उसको क्रॉसिंग करने होता है। लेकिन आपको एकदम हल्के हाथ से जो बेस लेयर होगा एकदम हल्के हाथ से आपको डार्क नहीं करना है। फिर देखिए सेकंड ऐसे मैं ना वर्टिकल साइड से कर रहा हूँ, फिर देखिए पहले मैंने वर्टिकल से किया फिर हॉरिजॉन्टल से किया, फिर देख सकते हैं आप इसी तरह से आपको जहाँ डार्क पोर्शन है वहाँ ज़्यादा ही लेयर्स बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेज बनाने हैं। देखते हैं यहाँ ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा डार्क है तो उसको मैं एकदम ऐसे ही लेयर वाइज करूँगा तो एकदम अच्छा हाइपर रियलिस्टिक टोन हमको मिल सकता है इजीली। देख सकते हैं इधर से ही आपको हाइपर रियलिस्टिक दिखने लग रहा होगा, देख सकते हैं आई एकदम लग रहा है एकदम जैसा का जैसा। और आईब्रोज बनाने पलक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन देखिए दिख नहीं रहा है सही से, तो इसको मेरे को डबल बार मतलब दो बार हमें ऐसे डार्क करना पड़ेगा तब जाके यह पूरा अच्छे से हो जाएगा और हाइपर रियलिस्टिक का दिख सकता है। तो देखिए दो बार कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर, चार पांच बार ऐसे घिस रहा हूँ तब जाके हो रहा है। अगर आप वो अलग अलग रेट के पेंसिल देंगे पेन देंगे तो उससे अच्छे से एक ही बारी में हो जाएगा, बट इसमें से आपको थोड़ा पेशेंस करना पड़ेगा और यूज़ करना पड़ेगा आपका दिमाग, तब जाके एकदम मस्त होगा देख सकते हैं। अभी आईब्रोज भी मैंने थोड़ा थोड़ा बनाना चालू कर दिया, उसके जो नीचे वाला भाग है उसमें मैं हैचिंग टेक्निक फिर से यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी डार्क पोर्शन है वहाँ मैं ज़्यादा कर रहा हूँ देख सकते हैं। और नीचे का आईब्रोज जो भी है और पलक है उसको मैंने कम्प्लीट कर लिया है देख सकते हैं। तो ऊपर का हो रहा है जहाँ भी डार्क पोर्शन है वहाँ मैं एकदम सिंपली अच्छे से लेयर वाइज करते जा रहा हूँ, वैसे आपको भी करना है एकदम ईजीली और ईजी वे में आपसे भी हो जाएगा। अगर आपको आउटलाइन का वीडियो चाहिए थोड़ा पीछे किसी को भी चाहिए होगा तो मैं उसके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अगर इसमें आप 50 लाइक आप करा देते हैं तो मैं जल्दी जल्दी इसका नेक्स्ट सेकेंड पार्ट भी लाऊँगा और ट्यूटोरियल जो आउटलाइन का वो भी जल्दी लाऊँगा। तो चलिए देखते रहिए इस वीडियो को और अभी हम बनाएंगे इसके बाद आईब्रो, देख सकते हैं एकदम ईजीली कितना मस्त लग रहा है ये आई आप देख ही सकते हैं, बहुत ही हाइपर रियलिस्टिक। देखिए जहाँ डार्क वाले लाइन्स है वहाँ मैं कर रहा हूँ देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हैचिंग टेक्निक का ही यूज़ करना है, बाद में आपको आराम से बनाना है। देखिए हैचिंग टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ मैं देख सकते हैं आप सिंपली, और कुछ नहीं है बाकी सब ईजी है देख सकते हैं। अगर आप पेंसिल से बना दे तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको, लेकिन जो पेन से बनाएंगे तो उसको कम से कम मेरे को इसमें 31 मिनट्स लग गए इसको बनाने में खाली एक आई को। तो मैंने सोचा चलिए आपको ट्यूटोरियल बता देता हूँ, देखिए इस तरह का ट्यूटोरियल है इस तरह का। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। देख लिया किस तरह का मैंने इसमें शेडिंग किया है, बहुत ही अच्छा शेडिंग था। तो आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इससे क्या इससे ज़्यादा आप अच्छे से हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हैं जिस तरह की मैंने बनाई, या उससे भी अच्छी बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी अगर आप 50 लाइक्स कर दे, जो कि आप मैंने स्टार्टिंग में बोला था, तो जल्दी से कर दिए 50 लाइक्स और सपोर्ट कीजिए। तो चलते हैं मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।